वेलकम टू माई YouTube चैनल। माई नेम इज पार्थिव तावड़े एंड आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ हाजी अली दरगाह जो कि मुंबई में है। एंड इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि हाजी अली दरगाह तक कैसे जाना है वो, एंड हाजी अली दरगाह की मिस्टीरियस हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना एंड बिल्कुल भी स्किप मत करना। I am at Haji Ali Dargah, as you can see, and this place is located at Mahalakshmi Mumbai. तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ तक आना बहुत ही ईजी है। आप मुंबई में जहाँ पर भी रहते हो आपको ट्रेन पकड़नी है टिल महालक्ष्मी तक, फिर महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी मिल जाएगी जो आपको हाजी अली तक लाके छोड़ देगी, जिसका चार्ज है 15 rupees पर पर्सन। लेकिन आप यहाँ तक चलकर आना चाहते हो तो चलकर भी आ सकते हो, एक 15 minutes की वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये प्लेस। एंड ये जो दरगाह है वो 1431 में बनाई गई थी। एंड यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं इस दरगाह में अपने विशेष लेकर, अपनी मन्नतें लेकर, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी अपने विशेष मांगते हैं, जो भी अपने मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। एंड इसीलिए हर दिन यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं इस दरगाह में। तो आप देख ही सकते हो आज बहुत ही क्राउड आया है। तो चलो चलते हैं एंड अभी हम दरगाह में पहले जाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे सी फेस जो है वो सी एरिया है उसका मजा लेते हैं। तो ये दरगाह है वो अरेबियन सी के बीचों बीच है। इस दरगाह के तीनों साइड अरेबियन सी है एंड जो चौथी साइड है वो ये लैंड है जहाँ जिसकी हेल्प से आप अंदर दरगाह तक जा सकते हो। एंड बारिश के टाइम और हाई टाइड के टाइम जब यहाँ पर पानी जमता है तब इस दरगाह को बंद कर दिया जाता है। एंड एंट्रेंस गेट पर भी लिखा है दरगाह विल बी क्लोज एट हाई टाइड। तो अगर हाई टाइड है यहाँ पर, जब हाई टाइड अलर्ट रहता है और बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर बिल्कुल मत आना, क्योंकि ये दरगाह उस टाइम बंद होती है। दरगाह में जाने से पहले मैं यहाँ पर भीग चुका हूँ, देख सकते हो आप। तो अभी मैं यहाँ का सनसेट भी एंजॉय करते करते खा रहा हूँ वड़ा पाव। लास्ट दो ब्लॉग जैसे वाशी का एंड मुंबई का जो हिडन प्लेस था वहाँ पे मुझे सनसेट व्यू देखने को नहीं मिला, एंड यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली मुझे सनसेट व्यू देखने को मिला। एंड मैं इसको एंजॉय करते करते अभी वड़ा पाव खा रहा हूँ। एंड रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग अपलोड की है वड़ा पाव का, थानेस बेस्ट 3 वड़ा पाव सेंटर। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हो, उसकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वो वड़ा पाव सेंटर जो है वो देख सकते हो जाके। एंड कभी थाने में अगर आप आते हो तो वो 3 वड़ा पाव सेंटर का वड़ा पाव जरूर ट्राई करना। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वो वड़ा पाव कैसे लगा वो। तो अभी मैं कर रहा हूँ एंजॉय यहाँ का वड़ा पाव, सनसेट भी एंजॉय करते करते। तो आप यहाँ की आर्किटेक्चर देख सकते हो, ये जो पूरा दरगाह है वो व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। तो आप यहाँ ऊपर आकर इस दरगाह का पूरा ऊपर से व्यू देख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, दोनों फ्लोर में आप जा सकते हो और ऊपर से दरगाह का पूरा जो व्यू है वो देख सकते हो। हाजी अली दरगाह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
कहानी जो शुरू होती है उज़्बेकिस्तान के एक सीधे और नेक पीर से। तो हुआ ये कि एक बार पीर हाजी अली शाह एक वीरान जगह पर नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहाँ से एक महिला रोती हुई गुजर रही थी। पीर के पूछने पर उस महिला ने बताया कि वो तेल लेने गई हुई थी, लेकिन बर्तन के गिर जाने की वजह से उसका तेल गिर गया और अभी उसका पति उसे मारेगा, इसलिए वो चिंतित थी। तो पीर हाजी अली शाह उसे लेकर उस जगह गए जहाँ पर तेल गिरा था और उन्होंने अपना हाथ का अंगूठा जमीन में दसा कर बाहर निकाला। ऐसा करते ही जमीन से तेल का फव्वारा निकल पड़ा और उस महिला ने अपना बर्तन भर लिया। इस घटना के बाद पीर हाजी अली शाह को बहुत बुरे सपने आने लगे कि उन्होंने अपना अंगूठा जमीन में दसा कर पृथ्वी को जख्मी कर दिया है। उस दिन से वो एकदम शांत से रहने लगे और बीमार पड़ गए। ऐसा कहते हैं कि इंसान से बचने और व्यापार करने वो अपने भाई के साथ मुंबई के उस जगह पर गए जो दरगाह के करीब थी। कुछ वक्त के बाद उनका भाई वापस लौट गया और हाजी अली शाह लोगों में इस्लाम का प्रचार करने के लिए भारत में ही रह गए। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को खत लिखकर ये गुजारिश की कि उज़्बेकिस्तान में उनके संपत्ति को बेचकर गरीबों के पालन पोषण के लिए लगा दी जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि हाजी अली शाह अपने समय के काफ़ी बड़े व्यापारी थे, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने व्यापार और आरामदायी जीवन को त्याग दिया। अपना सारा धन गरीबों में बांटकर वो हज के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसा कहते हैं कि मरने से पहले उन्होंने अंतिम इच्छा ये जताई थी कि मरने के बाद उनको दफनाया ना जाए बल्कि उनके कफन को समंदर में ही डाल दिया जाए। लोगों ने उनकी अंतिम इच्छा को सम्मान करते हुए उनके इस इच्छा को पूरा कर दिया। लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उनका ताबूत मुंबई के उसी जगह पर आकर रुक गया जहां वो रहा करते थे, और ये एक अद्भुत चमत्कार था। इसके बाद उस जगह पर सन 1431 में हाजी अली शाह दरगाह बनाई गई। मुंबई के दक्षिणीय भाग में बसी ये दरगाह किसी चमत्कार से कम नहीं है। समंदर के बीच में ऊंची ऊंची लहरों का डटकर सामना करते हुए ये दरगाह लाखों लोगों की उम्मीद बनकर खड़ी है। दिन में न जाने कितने लोग मन में श्रद्धा लेकर मन्नतें मांगने आते हैं और ये उनकी मन्नतें पूरी करती है। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूमकर, एंड अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर आना, बिकॉज इवनिंग के टाइम पर यहाँ लाइट्स लगती है और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर, बहुत ही काम एनवायरनमेंट होता है। तो इवनिंग के टाइम पर ही आना, और आप अगर नीचे उतर रहे जैसे मैं उतरा था तो बहुत आगे भी मत जाना, बिकॉज ये जो वेव्स है वो बहुत स्ट्रांगली आती है और आपको लेके जाएगी अंदर, पानी बहुत डीप है, तो बी केयरफुल। एंड बहुत ही मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। आप भी अगर यहाँ पर आओगे तो इवनिंग के टाइम पर आना, बहुत एंजॉय करने मिलेगा, क्योंकि दोपहर में तो बहुत गर्मी होती है, इसीलिए इवनिंग में आना। सो हेयर आई एम एंडिंग माई ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव, नेबर सभी लोगों में शेयर करना ताकि उन्हें भी इस प्लेस के बारे में पता चल सके। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और बहुत सारी वीडियोज देखने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।